ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। लगभग 4 मास के पश्चात आपके समक्ष पुनः विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल ही कम्युनिटी पोस्ट में मैंने किन्हीं भाई का प्रश्न डाला था। उन्होंने पूछा था कि परमात्मा के विषय में चर्चाएं तो बहुत कर ली, बहुत कुछ सुना भी है उसको लेकर के, बहुत कुछ पढ़ा भी है, बहुत कुछ वाद विवाद भी कर लिए उसको लेकर, बहुत तर्क भी कर लिए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो छोड़िए, उसकी झलक भी कहीं वहीं नहीं दिखाई दे रही। तो परमात्मा का अस्तित्व भी है या नहीं उस पर भी विश्वास नहीं होता है। तो उसके विषय में इतनी चर्चाएं करने के बाद भी, उतना कुछ सुनने के बाद भी उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता, ऐसा क्यों है? तो इस विषय में मैं कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो इसका बहुत सहज उत्तर और सीधा सीधा स्पष्ट रूप से संकेत किया है यमाचार्य जी ने कठोपनिषद में नचिकेता को। वो कहते हैं कि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये जो आत्मा है उसको आप प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा अर्थात यहाँ पर परमात्मा का उपयोग है। तो परमात्मा को आप मात्र प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते। आपने कितनी ही चर्चाएं कर ली हो परमात्मा को लेकर के, आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक क्यों ना परमात्मा की बात पहुंचाई हो, आपने चाहे कितना ही प्रचार किया हो, आप भले दिन रात क्यों ना परमात्मा की बातें करते हैं जहां भी बैठते हैं, तो मात्र उससे परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये यहाँ पर मना कर दिया सीधे सीधे शब्दों में। तो कहते हैं कि हमने बहुत सारी चर्चाएं की, तो चर्चा से वो प्राप्त होता ही नहीं है, तो आपको झलक दिखेगी कहाँ से? उसके आगे कहते हैं कि न मेधया, मेधया मेधा से भी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कितना ही मेधावी क्यों ना हो, वो कितना ही तार्किक हो, उसको सैकड़ों ग्रंथ कंठस्थ हो, वो चाहे जितने ही शास्त्रों को घोंट के भी गया हो, उसको भी परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। यदि ऐसा होता तो आपको ऐसे लोग बहुत दिख जाएंगे जो कहीं से भी प्रमाण दे देते हैं, उनको सब कुछ याद है, ग्रंथों में जो कुछ भी है वो उसमें से बहुत कुछ याद है, कुछ को तो सब वेद ही याद हैं। तो लेकिन वेद याद है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि पढ़ने से भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी, आपकी कितनी मेधा है उससे नहीं होगी, न प्रवचन से होगी। कोई भी व्यक्ति कितना ही अच्छा प्रवचन क्यों ना देता हो परमात्मा पर, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो व्यक्ति थे एक जो परमात्मा के विषय में बहुत अच्छी बात करते थे, बहुत सूक्ष्मता से बताते थे, और फिर लोग कहते हैं कि उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई थी। तो कोई कितना ही अच्छा क्यों ना बोल ले, उससे हम ये संबंध नहीं जोड़ सकते हैं कि कोई अच्छा वक्ता होगा वो परमात्मा की प्राप्ति कर चुका होगा, ये कोई संबंध नहीं है। परमात्मा से किसी की भले ही निकटता ना हो, बिल्कुल ही हो सकता है वो कर्म ऐसे करता हो कि उससे परमात्मा से और दूरी बढ़ रही हो, लेकिन परमात्मा को लेकर के बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता है। प्रवचन एक आर्ट है, एक कला है, प्रवक्ता होना एक कला है, लोगों को प्रभावित करना, ये थोड़ा सा प्रयास करने पर किसी को भी आ जाती है। तो यदि इसका संबंध ऐसे हो तब तो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं, बहुत अच्छे से अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको ईश्वर के विषय में बताने वाले, बहुत अच्छी व्याख्याएं करने वाले, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रवचन से प्राप्त होता ही नहीं है। मैं एक कार्यक्रम में था, वहां पर एक व्यक्ति को समय मिला बोलने के लिए। विषय था कि समय का महत्व क्या है जीवन में, तो समय के महत्व पर उनको बोलने का अवसर मिला। कितना मिला? 10 मिनट। अब 10 मिनट का समय मिला और वो समय का महत्व बताते बताते इतनी गहराई में घुस गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए, 20 मिनट हो गए उनको। तब उनको कहीं जाकर के मंच संचालक थे, उन्होंने रोका कि भाई बहुत हो गया, तो समय का महत्व बता रहे हैं और समय का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो कितना ही अच्छा महत्व क्यों ना बता रहे हों, और वो अच्छा उद्बोधन भी दिया उन्होंने समय को लेकर के, लेकिन वो जो होना चाहिए स्वयं के ऊपर वो नहीं था। वास्तव में उनको समय का कुछ अता पता नहीं था कि समय का महत्व क्या है, उनको नहीं पता था, लेकिन समय के महत्व पर उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया।
तो बहुत अच्छे भाषण ईश्वर के विषय में, ईश्वर की जीवन में, ईश्वर का जीवन में क्या महत्व है, ईश्वर कैसे कैसे क्या क्या है, लेकिन वास्तव में उसका संबंध नहीं भी हो सकता है उस वक्ता के साथ, जो प्रायः होता है और अधिकांश ऐसा ही होता है। तो प्रवचन से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, न मेधा से, न बहुना श्रुते, न आपने कितना सुन रखा है परमात्मा के विषय में, उससे भी प्राप्त नहीं होता है। किसी किसी के पास हार्ड डिस्क रखी है जिसमें बहुत सारे प्रवचन हैं जो पूर्व वक्ता बोल करके गए हैं किसी भी बात को, बहुत सारे ऑडियो वीडियो, और लोग सुनते ही रहते हैं। कुछ लोग हैं वो सुनते ही रहते हैं हमेशा साधना की बातें, बातें अच्छी हैं, सुननी चाहिए, लेकिन यदि वो कहें कि क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि न बहुना श्रुते न, यहाँ पर मना कर दिया है कि बहुत सुन लो उसके विषय में तब भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, मात्र सुनने से। कर्म ये हमको सब करने ही हैं, लोगों को बताना भी है उस विषय में, सुनना भी है, पढ़ना भी है। तो आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना सुन चुके हैं, उससे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, तो झलक आपको कैसे दिखाई देगी। ये मे वैश वृणते तेन लभ्य तस् एष आत्मा विवृणते तनुस्वाम। परमात्मा स्वयं उसका चयन करता है जो उसकी पात्रता रखता है, तो जिसका वो वर्ण करता है उसके समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। तो एक दृष्टि से कहा जाए तो परमात्मा को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते अपने पुरुषार्थ से, मतलब हम अपनी ओर से ही प्राप्त कर लें ये संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। आप कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए, तो आप 100 में से 100 अंक भी प्राप्त कर लेते हैं, और आपका जो साक्षात्कार होता है उसमें भी आप उनके प्रश्नों के उत्तर मौखिक बहुत अच्छे से देते हैं, उसके बाद भी चयन होना अब आपके हाथ में नहीं है। आप वहाँ तक दे सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा साक्षात्कार दे सकते हैं, लेकिन अब वो जो कमेटी होती है वो चयन करेगी कि आपका चयन होना है कि नहीं होना है। आप कितनी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद, बहुत सारी उनसे बातचीत करने के बाद, साक्षात्कार के बाद, आपको बाहर बैठा दिया जाता है कि चलो आपसे बातचीत होगी, अब आप बाहर बैठिए, फिर वो अगले व्यक्ति को बुलाते हैं। तो अब आप स्वयं नहीं चयन करवा सकते, अब वो उनकी कृपा होगी तब आपका चयन होगा आईएएस के लिए। तो आप अपने पुरुषार्थ से आईएएस बन जाओ, मात्र अपने पुरुषार्थ से ये संभव नहीं है, उसके लिए वो लोग चयन करेंगे। बस बस आप अपनी एक बार पात्रता सिद्ध कर सकते हैं बस, अब उसके बाद में आपके हाथ में ही नहीं है कुछ भी। ऐसे ही आप यम का पालन कर सकते हैं, नियम का कर सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, प्रत्याहार कर सकते हैं, धारणा लगा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जब समाधि लगेगी, परमात्मा की प्राप्ति का जो विकल्प है, एक वो स्थिति है, वो आप अपनी ओर से नहीं कर सकते, वो परमात्मा की कृपा होगी तब होगा। और वो होता उसका है, चयन उसका होता है जो निर्मल होता है, जो पवित्र होता है, जिसके चित्त में कोई भी मल नहीं है, जो मल रहित तो हो जाता है। तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध कर देनी है बस, उसके बाद में वरण करना वो परमात्मा का कार्य है, हमारा नहीं है। तो राजन जी महाराज एक भजन गाते हैं कि परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कोई कितना ही परिश्रम कर ले, तो परमात्मा की कृपा है। तो हम जो अष्टांग योग के भी जो चरण है ना, हम ध्यान तक हम अपने पुरुषार्थ से जा सकते हैं, लेकिन समाधि वाला जो कदम है वो परमात्मा की सहायता से ही होगा, परमात्मा जब चाहेगा तब होगा। हम अपनी माँ की गोद में जाना चाहते हैं, हम बच्चे हैं और हम पूरे मल से बिगड़े हुए हैं, मल लगा हुआ है शरीर में, कीचड़ लगा हुआ है, बाहर से खेल के आए हैं। माँ कहती है दूर दूर दूर, पहले धो करके आओ पूरा। तो हम साफ करके भी आते हैं, फिर भी उसके बाद हम अपनी माँ के पास जाते हैं, तो हम अपने पुरुषार्थ से एड़ियाँ उठा सकते हैं, पंजों के बल खड़े हो सकते हैं, हाथ ऐसे कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो अब माँ चाहेगी, माँ के अंदर से प्रेम आएगा आपके लिए, चलो इसको गोद में उठा लेते हैं। माँ का हृदय जब करुणा से भर जाएगा तो माँ ही फिर आपको गोद में उठाएगी, वो माँ का विषय है
माँ चाहेगी तब उठाएगी, वो नहीं चाहेगी तो वो नहीं उठाएगी, वो माँ का काम है। हमारा काम है बस हाथ पैर धोकर के आना, स्वच्छ होकर के आना। तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी है, उसके बाद परमात्मा का कार्य है, वो परमात्मा करेगा। तो परमात्मा की ओर जितने भी कदम जाते हैं उसमें जो अंतिम कदम है परमात्मा से मिलन का, वो कदम परमात्मा अपनी ओर से चलता है। वो कदम हमारा नहीं, अंतिम कदम हमारा नहीं, परमात्मा का होता है। तो अंतिम जो प्रक्रिया है वो चयन की, वो परमात्मा करेंगे। हम अपनी बुद्धि के दम पर, हम सुनने के दम पर, हम तर्क वितर्क के दम पर, तर्क से उसको प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, इसके पहले ही प्रकरण में उन्होंने कह दिया, अतर्क्यम ही अणु प्रमाणात्, परमात्मा अतर्क्य है, वो तर्क से परे है, बुद्धि से परे है। तो बुद्धि ये प्राकृतिक चीज़ है और परमात्मा अप्राकृतिक है, ये प्रकृति से नहीं बना है। तो प्राकृतिक वस्तुओं से अप्राकृतिक वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से, वो साधन के रूप में एक समय तक काम करती है, बस उसकी एक सीमा है, प्रकृति की एक सीमा है। तो परमात्मा कब क्या करेगा, हमें अपने पर ध्यान देना है, अपनी पात्रता सिद्ध कर देनी है, हमें निर्मल हो जाना है, उसके बाद वो परमात्मा का काम है। तो जब उसकी कृपा हो जाएगी, कर्ता तो परमात्मा सबके साथ न्याय है, लेकिन न्याय और कृपा में अंतर है। कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, न्याय तो आप जैसा कर रहे हो वैसा होता ही है। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो बात